उत्तर प्रदेश सरकार का ये प्रयास है कि सभी सरकारी विद्यालय में बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जाए और हर संभव बच्चों की मदद की जाए, जिसको लेकर मुरादाबाद जनपद के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह समय समय पर प्राथमिक विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं। गुरुवार को मुरादाबाद के थाना मोगलपुरा क्षेत्र के अंतर्गत नगर क्षेत्र के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में पहुंचे जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने निरीक्षण किया। प्रत्येक कक्षा में पहुंचकर बच्चों से बातचीत की और बच्चों से सवाल जवाब भी किए। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड पर पहुंचकर मैथ्स के कई सवाल लिखे और उन्हें हल करने के लिए बच्चों से कहा। साथ ही इस दौरान जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं दिखाई दिए और शिक्षकों से उन्होंने बच्चों पर ध्यान देने की बात कही। प्रत्येक कक्षा में पहुंचकर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और मैथ से संबंधित सभी बातों को पूछने के साथ बच्चों से भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री के नाम भी पूछे। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जनप्रतिनिधियों का नाम भी बताते हुए दिखाई दिए, जहां सभी बच्चे सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जनप्रतिनिधियों का नाम भी बताते हुए दिखाई दिए। साथ ही निरीक्षण के दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुद्धप्रिया सिंह और स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले अधिकारी, विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। पहुंचे हैं, क्या कमियां हैं और क्या नगर क्षेत्र का कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है, इसका हमने औचक निरीक्षण किया है बेसिक शिक्षा अधिकारी बुद्धप्रिया जी के साथ। बेसिक बच्चों से बातचीत की गई, उनको भोजन कैसा मिल रहा है इसके बारे में उनसे चर्चा की गई। बच्चों के साथ बैठ के हम लोगों ने भोजन भी किया, उसकी क्वालिटी को भी देखा। भोजन की क्वालिटी कुल मिलाकर ठीक है, कुछ थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, उसके बारे में थानाध्यापिका को बता दिया गया है। बच्चों का ओवरऑल लर्निंग आउटपुट ठीक है, लेकिन मैथ्स में थोड़े और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, जो मैथ्स के टीचर हैं उनको बताया गया है। यहाँ पर स्मार्ट सिटी के तहत कार्य कराया जा रहा है इस विद्यालय में और काफ़ी अच्छा डेवलप हो गया है। अभी कुछ लैंड साइट का डेवलपमेंट और सामने जो मैदान है उसका डेवलपमेंट अभी बचा हुआ है, तो वो भी काम हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 10 दिनों में जो स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बिल्डिंग हमारी अच्छी हो गई है, बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था है, बच्चों का की पढ़ाई लिखाई ठीक है, लेकिन कुछ कमियां हैं, जैसे मैथ्स का मैंने बताया कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। बाकी बच्चों के खेल कूद की भी व्यवस्था है, लेकिन इसमें निर्माण कार्य के चलते मैदान किया हुआ है, इस कारण खेल कूद नहीं हो पा रहा है। इस बारे में भी चर्चा की गई, खेल कूद का भी माहौल बच्चों को मुहैया कराया गया। तो कुल मिलाकर के विद्यालय का वर्तमान सिनेरियो पहले की तुलना में काफ़ी परिवर्तित है। थैंक यू सर।